वेलकम दोस्तों, आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सूखी बोलान, सूखी रावी। उसका ये फ्रंट शाख का स्प्रिंग टूट जाए तो उसको कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं। ये स्प्रिंग टूटा हुआ आपको नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जैक लगा के टायर उतार लें। टायर उतारने के बाद इसका ये नट है, ये खोलना पड़ता है। नट खोलने के बाद आराम आराम से जैक को नीचे डाउन करें। डाउन करें जैक। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये स्प्रिंग बाहर आ चुका है। अब हम इसको जी आपको नज़र आ रहा है ये स्प्रिंग टूट चुका है। ये ज़्यादा जंप पे लगने से या बहुत टाइम स्प्रिंग चलने की वजह से ये भी टूट जाता है। जंप पे भी लगे ज़ोर से तब भी टूट जाता है। अब न्यू स्प्रिंग डालेंगे। ये न्यू स्प्रिंग हम लेके आए हैं, इंपोर्टेड पीसी वायर। ये इधर हमारे रावलपिंडी से लकी आटो से 450 रुपये का मिल जाता है। अच्छा स्प्रिंग है। अब डालने का तरीका हम आपको बताते हैं इसका। शाख को अच्छी तरह साफ कर लें। साफ करने के बाद स्पूट को स्प्रिंग में फंसाएं। ये जंपर होता है, इसको चेक कर लें। अगर टूटा हुआ है तो इसको भी रिप्लेस कर लें। अभी ये ठीक है, हम इसको यही वापस ला लें। इसको नीचे प्रेस करके स्प्रिंग को इंस्टॉल कर लें। फिर ये कटोरी ऊपर लगाएं। ये ध्यान में रखें कि ये कट इस कट के साथ आए। उसके बाद ये प्लास्टिक वाला रिंग होता है, ये इसको साथ टच होने से बचाता है रगड़ के, क्योंकि ये लोहे अलॉय के साथ रगड़ ना खाए। इसमें ग्रीस लगानी लाजमी है। दोनों साइड पे ग्रीस लगाएं। ग्रीस लगाने के बाद आखिर में ये कटोरी है, इसको यहाँ पे रख के शाख को अंदर अपनी जगह अपने लेवल पे ले जाएं। फिर जैक उठा के इसको ऊपर अपना प्रेस करना पड़ेगा। एक मिनट नीचे करें थोड़ा सा, बस इसको लगाया जाए। इसको अपने इसको बिल्कुल सेंटर में करके लेवल करके फिर जैक उठाना पड़ता है। जैक उठाएं ऊपर, और उठाएं इसका राड ऊपर आ जाए। आखिर में ये कटोरी यहाँ कटोरी रख के प्रेस करें।
ग्रास काट, जैक उठाओ थोड़ा सा, बस फिर ये दो बाछले लगा के ऊपर। फिर इसको टाइट कर, जी तो दोस्तों इसको फुल नट को टाइट कर लें। टाइट करने के बाद इसकी ये कैप होती है, ये अपनी जगह वापस लगा लें। आप देख सकते हैं कि हमारी स्प्रिंग की वीडियो आज कंप्लीट हो चुकी है। हमने स्प्रिंग डाल दी है, सब मुकम्मल हो चुकी है। आप ये जो काम करने वाले बंदे हैं उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो है, वो सीख सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। इस तरह रस्ते में अगर टूट जाए तो आप खुद रिप्लेस कर सकते हैं, बहुत आसान है ना, मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। कुछ चीज़ समझ ना आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।